कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे आयुष प्रणाली में साक्ष्य आधारित अनुसंधान यानी एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बारे में। वर्ष 2022 आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी खास रहा। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों पर एविडेंस बेस्ड रिसर्च को बढ़ावा देने को लेकर बात की है। श्रोताओं, आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए सभी आयुष प्रणालियों में साक्ष्य आधारित अनुसंधान पर बल दे रहा है। आयुष में विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यापक शोध कार्यों के विशाल भंडार में लगभग 40,000 रिसर्च पब्लिकेशंस मौजूद हैं। नवंबर में आयुष मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। दिल्ली स्थित एम्स का सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर काम कर रहा है और अब तक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर प्रकाशित कर चुका है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं आयुष में एविडेंस बेस्ड रिसर्च को लेकर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है। बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण, एविडेंस। मुझे खुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर भी खड़े उतर रहे हैं। आज आयुष प्रणाली को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता किसी से छिपी नहीं है। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में आयुष जांच और कसौटियों पर भी खरा उतर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आयुष पूरे विश्व में एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बल पर प्रत्येक मानव के स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, उनका कल्याण करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।